छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में स्थानीय मुद्दों के साथ महिलाओं से जुड़े भावुक मुद्दों को तरजीह दे रही है। इसी सिलसिले में भिलाई पहुंची छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी और राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन ने प्रदेश की महिलाओं से मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देने की बात कही है। उन्होंने आगे कहा कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर के अपने वादे को छत्तीसगढ़ के घोषणा पत्र में भी शामिल किया जा रहा है। गैस सिलेंडर 350-400 का था तो आप कह रहे थे महंगाई है, और अब 1154 रुपए का है तो आप बिल्कुल इस तरह से पेश आ रहे हैं कि जैसे कोई महंगाई नहीं है। हम हर जगह पे ये मैसेज लेके जा रहे हैं और एग्जांपल दे रहे हैं। जिस तरह 5 गारंटी हम कर्नाटक में लेकर आए और जिस 5 गारंटी में जो बेरोजगार ग्रेजुएट युवा है उसको 3000 रुपए, जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसको 1500 रुपए, 2000 घर की गृहिणी को, ताकि जो गैस सिलेंडर महंगा है वो अपने किचन को बैलेंस कर सके, 10 किलो अनाज हम उसके घर में दे रहे हैं और वहां पे फ्री बस पास महिलाओं को दे रहे हैं। राजस्थान में हम 500 रुपए का गैस सिलेंडर दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा किसानों को एमएसपी मिलती है तो वो छत्तीसगढ़ में हम दे रहे हैं। राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अभी राजस्थान की कांग्रेस सरकार प्रदेश की गृहिणियों को कांग्रेस 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर दे रही है। इसी तर्ज पर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए भी घोषणा कर दी है कि वहां कांग्रेस की सरकार बनी तो वहां भी 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य भी इससे अछूता नहीं रहेगा। यहाँ कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी तो यहाँ भी योजना लागू की जाएगी। वहीं उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। देखिए, फ्री की योजना किसको दे रहे हैं इससे आपकी नियत और मंशा समझ में आती है। जब 2014 में मोदी साहब आए, भाजपा आई, तो इन्होंने क्या बोला था कि एनपीए का इतना पैसा है, स्विस बैंक में इतना पैसा है अमीरों का, कि मैं एक एक गरीब के पॉकेट में 15 लाख फ्री में दूंगा। दिया क्या? फिर बोला 30 लाख दूंगा। दिया क्या? हम गैस सिलेंडर की सब्सिडी दे रहे थे। क्या वो कॉरपोरेट है, नीरव मोदी है, क्या बड़े बड़े कॉरपोरेट अडानी ने लेना था? वो बीपीएल और एपीएल जो गांव के लोग हैं, गरीब हैं, हम 6 सिलेंडर में 10 में 4 की सब्सिडी दे रहे थे, उन लोगों को दे रहे थे जो नीडी है, सर्विस क्लास है, फार्मर्स है। तो आप देते किसको है, आप कंपेयर कीजिए। आपने 7.5 लाख करोड़ रुपया लगभग अभी कॉरपोरेट का माफ कर दिया। हम कह रहे थे एनपीए आप कॉर्पोरेट का लीजिए और वो पैसा गरीबों को दीजिए। तो गरीब को सब्सिडी देना, जैसे हम खाद्य सुरक्षा लेके आए, मनरेगा लेके आए, तो कांग्रेस उस सिद्धांत में चलती है कि जो गरीब है उसको हम मजबूत करें, तो वो पैसा अगर हम सब्सिडी देते हैं तो हमको ये बैलेंस लगता है। और आज़ादी के बाद 55 साल तक कांग्रेस ने इस देश को चलाया, तो इस सब्सिडी से कभी भी देश में ना रिसेशन आया और ना ही महंगाई बढ़ी। राज्यसभा सांसद ने कहा कि भाजपा की सरकार जब से केंद्र में बनी है वो ईडी की कार्रवाई के जरिए राजनीति कर रही है। ईडी की कार्रवाई में 95% कांग्रेस के लोग शामिल हैं। क्या भ्रष्टाचार केवल कांग्रेस के नेताओं ने किया है? बीजेपी के नेताओं ने कोई करप्शन नहीं किया। भाजपा ईडी की कार्रवाई करवा रही है तो कांग्रेस भी उसका जवाब कानूनी तरीके से देगी। कह रहे हैं कि आप लगातार रेड कीजिए, हम लोग कानूनी कार्रवाई को सह रहे हैं और सहेंगे, लेकिन पूरा देश देख रहा है कि 2014 से जितनी भी ईडी सीबीआई आईटी की रेट पड़ी है वो 99.9% सिर्फ विपक्ष को पड़ी है। अगर विपक्ष में से दो लोग
जिन पर सीबीआई का छापा पड़ा है, अगर वो भाजपा में सम्मिलित हो जाते हैं तो वो उनकी वॉशिंग मशीन में बिल्कुल क्लीन होके आ जाते हैं। तो ये पूरा देश देख रहा है, हम कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ये वैसे लोग हैं जो राहुल गांधी जी को 60 घंटे ईडी की पूछताछ किया, मैडम सोनिया गांधी जी को किया, तो हम सब उस कार्रवाई के लिए तैयार है, लेकिन जनता देख रही है। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन के बयान पर भाजपा ने भी पलटवार किया है। महिला विधायक ने चुनौती देते हुए कहा कि मैं छत्तीसगढ़ की बेटी रंजना साहू बिहार की रंजीत रंजन को चुनौती देना चाहती हूं। बताएं, ग्रामीण इलाकों में 4 सिलेंडर मुफ्त देने का वादा जो किया था, कितने लोगों को दिया? महिलाओं को 500 रुपए प्रति महीने देने की बात की थी, कितनों को दिया? महिलाओं का कर्जा माफ क्यों नहीं किया? झूठ बोलकर जनता को भ्रमित करना कांग्रेस के व्यवहार में आ गया है। ऐसे में इन दोनों के बयानों से ये तो साफ हो गया है कि राज्य में अब नेताओं का चुनावी वादों दावों से जनता को लुभाने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन महंगाई और गैस सिलेंडर जैसे मुद्दे देश में कई बार सरकार बनने और जाने की वजह भी बने हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन चुनावी घोषणाओं और बातों का किसे और कितना फायदा और नुकसान होगा। कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही, झूठ पर झूठ बोलना ये उनके व्यवहार में शामिल हो गया और इस प्रदेश की भोली भाली बहनों के साथ लगातार झूठ बोला जा रहा है। राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन जी आती है और यहाँ की महिलाओं से वादा करती है कि 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। मैं रंजीत रंजन जी से पूछना चाहती हूँ, इससे पहले भी आपने छत्तीसगढ़ प्रदेश की बहनों के साथ बहुत से वादे किए, उनके कर्जा माफ करने की बात कही, क्या कर्जा उनका माफ हुआ? हमारी बहनों से के साथ वादे किए आपने, अपना घोषणे पत्र में स्पष्ट किया कि महतारी सम्मान योजना के तहत हमारी सभी बहनों को 500 रुपए दिया जाएगा, आपने दिया क्या? हमारी बहनों से फिर से आपने वादे किए कि ग्रामीण परिवेश में मुफ्त में 4 सिलेंडर प्रतिवर्ष दिया जाएगा, आपने दिया क्या? मैं छत्तीसगढ़ की बेटी रंजना साहू बिहार की उस बेटी रंजीत रंजन जी से पूछना चाहती हूँ कि किन किन बहनों को आपने मुफ्त में सिलेंडर दिया, उसे स्पष्ट करिए। राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा तो कर दिया, साथ ही प्रदेश के मतदाताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया। जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 500 में घरेलू गैस सिलेंडर दे रही है, तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अपने इस कार्यकाल में क्यों नहीं दिया? क्या ये एक सिर्फ चुनावी वादा है? इसका जवाब तो सीएम भूपेश बघेल ही दे सकते हैं। रंजीता रंजन के बयान ने सीएम भूपेश बघेल के साथ साथ पूरी छत्तीसगढ़ कांग्रेस को जवाबहीन कर दिया है।